दिस इज डीजे ZQ। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी समय बाद हम कुछ सिस्टम्स ले आए हैं फिर से रिव्यूज़ के लिए। काफ़ी सारे डाउट्स क्वेश्चंस मैंने क्लैरिफाई किए मैसेज के थ्रू। काफ़ी फॉलोअर्स ने हमें फॉलो किया, हमारे कंटेंट को लाइक किया, हमें अपने डाउट्स पूछकर क्लैरिफाई किए। इट्स अ वेरी गुड इंटरेक्शन, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द रिस्पॉन्स। हम चाहेंगे कि आप इसी तरह हमसे कनेक्ट बनाए रखें और इसी तरह से हमसे अपने सवाल पूछते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मदद करके हम आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लैरिफाई कर सके और भी सिस्टम्स को कवर कर सके रिव्यू के मामले में। तो जी हाँ दोस्तों, आज देख रहे हैं हम पैनासोनिक के म्यूज़िक सिस्टम पर, जिसका मॉडल नंबर है SAVK550। जी हाँ, यूज़र मैनुअल हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके बाद हम एक और पैनासोनिक का रिव्यू करेंगे, जो एक और अलग सिस्टम है। इससे थोड़ा पुराना मॉडल होगा वो, बट वो भी 5 CD चेंजर ही है। तो आइए देखते हैं इनमें क्या खासियत है, क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और फीचर्स मिल जाते हैं आपको। इसमें एक स्पीकर कनेक्टिविटी आपको देखने मिलेगी, जो पुराने आईवा सिस्टम्स में आपको देखने मिलती थी, जहाँ पर हाईज़ की कनेक्टिविटी अलग होती थी और लोज़ की कनेक्ट अलग, यानी बेस और हाईज़ की जो है अलग अलग कनेक्टिविटी। स्पीकर्स में से 2 वायर लीड जाती हैं जो पीछे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए इसके पीछे कनेक्टिविटी ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, देखते हैं कितने इम्पीडेंस ये सपोर्ट करता है, और फिर कंटिन्यू करेंगे आगे के फीचर्स एक्सप्लोर करने में। काफ़ी सिंपल सा है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। तो हमारे काफ़ी सारे जो स्टीरियो सिस्टम्स हमने पहले रिव्यू किए हैं उसी के मुकाबले ये काफ़ी सिमिलर फीचर्स आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। बट हाँ, पैनासोनिक की ऑडियो क्वालिटी का कोई कंपैरिजन नहीं है। अगेन, ये आपको अल्टीमेट साउंड क्वालिटी देता है विथ स्मूथ बेस। तो डेफिनेटली पैनासोनिक सिस्टम्स आज भी काफ़ी सारे यूज़र्स पसंद करते हैं यूज़ करना, और ज़्यादातर ये सिस्टम्स इम्पोर्ट हुए हैं मलेशिया या जापान से। उनमें से ही कुछ ये सिस्टम्स हैं जो मैंने आपके रिव्यू के लिए हमारे चैनल पर आज यूज़ किए हैं। तो आइए इसके पीछे की कनेक्टिविटीज़ देख लेते हैं। जी दोस्तों, तो हमने इसे फ्लिप कर लिया है। पीछे की कनेक्टिविटीज़ में देखा जाए तो हमें टॉप लेफ्ट साइड पर NTSC PAL का स्विच दिख जाता है, जो आप नॉर्मली जो अपने DVDs यूज़ करते हैं या VCDs यूज़ करते हैं, इसकी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव या मैच करने के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक उसके नीचे आपको एक वीडियो आउट का पोर्ट दिख रहा है, RC आउट है ये येलो कलर का, जो स्टैंडर्ड वीडियो आउट का पोर्ट होता है। उसके नीचे AM/FM के एंटेना पिंस दिख रहे हैं आपको, जहाँ पर आप अपने एंटेना को कनेक्ट कर सकते हैं। बात की जाए इसकी इनपुट एंड आउटपुट कनेक्टिविटी की, तो जैसे मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कनेक्टिविटी की बात की जाए तो लेफ्ट साइड पर आपको ऑक्स का लेफ्ट एंड राइट केबल इनपुट दिख रहा है, जो रेड एंड वाइट कनेक्टिविटी का है। इसमें आप ऑक्स इनपुट भी लगा सकते हैं, यानी जो भी 3.5 to RC केबल मोबाइल के लिए होता है वो आप कनेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल ब्लूटूथ डिवाइस है उसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस लूप एम्प करने के लिए, यानी एम्पलीफायर लूप करने के लिए एक और सिस्टम में इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको लाइन आउट का कनेक्शन दिया है नीचे लेफ्ट साइड पर, मैं एक बार पॉइंट कर लेता हूँ। ये इनपुट और ये आउटपुट है जो हम जिसकी बात कर रहे हैं। उसके मिड में अगर आप देखें, यहाँ पर आपको पावर सॉकेट दिया हुआ है, जिसे आप प्लग को डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं। कूलिंग फैन दिया हुआ है ठीक उसके बाजू में। एंड राइट साइड में अगर अभी हम देखें तो आपको काफ़ी सारे कनेक्टिविटीज़ दिख रहे होंगे। आई एम श्योर आप कन्फ्यूज होंगे, ये अलग अलग क्यों दिख रहे हैं, 8 ohms, 6 ohms, 6 ohms, ये ऐसे अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो सारे कनेक्टिविटीज़ हैं, ब्लू एंड ग्रे, ब्लैक एंड रेड, अब ये जो इसके फ्रंट स्पीकर्स होते हैं उसकी जो स्पीकर लीड्स होती हैं, कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको इसमें कनेक्ट करना है। अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं इसका कलर कॉम्बिनेशन कैसा था बेस और हाइज़ का, बट जो मेन स्पीकर्स हैं, 2 फ्रंट स्पीकर्स, वो यहाँ इन 6 कनेक्टर्स में जो है कनेक्ट होंगे, 8 कनेक्टर्स में कनेक्ट होंगे, तो ये जो है अप टू 6 ohms के स्पीकर सपोर्ट कर लेते हैं। और जब यहाँ तक बात की जाए सराउंड स्पीकर्स की, 2 सराउंड स्पीकर्स आते हैं इसमें लेफ्ट एंड राइट, तो वो यहाँ पर आप RC केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ अप टू 8 ohms। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये यूनिट है और इसके स्पीकर्स नहीं हैं, तो उसमें आप इतने इम्पीडेंस के ऑलमोस्ट स्पीकर्स आप कनेक्ट कर सकते हैं, यानी 6
ओम्स के फ्रंट स्पीकर्स जो नॉर्मली आइवा सोनी पैनासोनिक में मिल जाते हैं, एंड सैटेलाइट स्पीकर्स जो 3 ohms to 8 ohms के अंदर हो वो आप इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। 8 ohms and above or 6 ohms and above के स्पीकर्स मत कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि इसकी साउंड कैपेसिटी या बोर्ड कैपेसिटी उतनी की ही है, उससे ज़्यादा होने पर ये सिस्टम में डिफेक्ट आ सकता है। तो आइए इसके फ्रंट फीचर्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं। यस फ्रेंड्स, तो फ्रंट में हम देख लेते हैं, सबसे पहले ऑन द टॉप लेफ्ट जो कि आपको मिल जाता है, ये पावर ऑन ऑफ स्विच। फिलहाल ये डेमो मोड पर है। इसके डिस्प्ले ऑप्शंस भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे भी आपको डिस्प्ले चाहिए। उससे स्विच ऑन भी हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये। ठीक उसके नीचे अगर आप चेक करें तो माइक की वॉल्यूम ऑप्शंस दी गई हैं। यूनिवर्सल ऑप्शंस हैं माइक की वॉल्यूम की, क्योंकि यहाँ पर दो इनपुट्स दिए हैं, दो माइक्रोफोन्स आप कनेक्ट कर सकते हैं। सीडी ट्रे ओपन हो गया था, जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्प्ले बटन रन करने पर भी ये सिस्टम जो है एक्टिवेट हो गया, तो उस वजह से उसने अपनी नॉर्मल टेस्टिंग शुरू कर दी और सीडी ट्रे ओपन कर लिया। तो जी हाँ, बात कर रहे थे हम माइक्रोफोन कनेक्टिविटीज़ की, तो लेफ्ट एंड राइट यानी 2 microphones आप यूज़ कर सकते हैं साइड बाई साइड, एंड उसकी वॉल्यूम और नॉब आपको ऊपर दी गई है। उसके नीचे अगर आप देखें लेफ्ट और राइट साइड में सिमिलर डेक 1 डेक 2 ओपन के ऑप्शन है, जो कुछ नहीं बट ये कैसेट प्लेयर के जो लिड्स हैं उन्हें ओपन करने के लिए एक डिजिटल बटन दिया हुआ है। 5 CD चेंजर है। लोडर आपको जो ट्रे ओपन होती है ऊपर की तरफ, जैसे थोड़ी देर पहले हुई थी, एक CD एट अ टाइम यानी सिंगल CD एट अ टाइम आप डाल सकते हैं उसमें, और वो 5 layers में जो है उन CDs को लोड करके रखेगा, और उन्हें आप सेलेक्ट कर सकते हैं 1 to 5 के इन बटन ऑप्शन से ऑन द राइट साइड, जिससे आप जो CD आप सुनना चाहें वो से आप चूज़ कर सकते हैं। ओपन क्लोज जो बटन है वो ऊपर की CD ट्रे के लिए है। देखते हैं फ्रंट में क्या क्या और फीचर्स हैं इसमें। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप मोड्स सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी CD, कैसेट, टेप, ऑक्स, ट्यूनर बैंड। तो ये सारे फीचर्स जो नॉर्मली हमारे स्टीरियो सिस्टम्स में आते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इक्वलाइजर्स में आपको ऑप्शंस हैं, अलग अलग इक्वलाइजर आप चूज़ कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगता है वैसे। प्लस इसमें साउंड बूस्टर है यानी सुपर साउंड EQ, इसमें जो बेस फीचर है वो बढ़ जाती है इसे प्रेस करने पर। तो अभी फ़िलहाल स्पीकर्स कनेक्टेड नहीं है इसलिए ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, बट हाँ ये जैसे आपने अभी देखा कि LED ऑन हो गया इसका, तो इस तरीके से ये डिस्प्ले करेगा कि ये साउंड सुपर साउंड EQ मोड में है, तो आपको जो बेस है वो ज़्यादा मिलेगा, और दो स्पीकर्स में भी काफ़ी अच्छी क्लैरिटी और बेस मिल जाती है इसमें। उसके नीचे अगर देखा जाए तो प्रीवियस PVC नेक्स्ट जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बटन है वो आपको मिल जाते हैं। अगर आपने दोनों कैसेट्स लोड की है नीचे की तरफ तो डेक 1 एंड डेक 2 का भी बटन दिया हुआ है, आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं कैसेट को, तो इसमें रिकॉर्ड फीचर भी अवेलेबल है। तो ये तो हो गई हमारे पैनासोनिक की सिस्टम की बात। जैसे मैंने आपको बताया कि पीछे इसमें कनेक्टिविटी ऑप्शंस काफ़ी स्पेसिफिक दिए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसमें स्पीकर्स कनेक्ट करें तो जो हाइज और लोज का इम्पिडेंस दिया हुआ यानी 6 ohms और 8 ohms जो आपने देखा था उस हिसाब से ही स्पीकर कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो बोर्ड दिया गया है उसमें हाइज और मिड्स और लोज जो है अलग अलग तरीके से डिवाइड होकर आउटपुट होती है। तो डिज़ाइन इस तरीके से है कि आपको हाइज के पिन में सिर्फ हाइज आएगा, बेस के पिन में जो है सिर्फ बेस आएगा। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इसमें 4 speaker लगाएं नॉर्मल स्टीरियो वाले और 2 surround speaker लगाएं, तो सराउंड में आपको साउंड आ जाएगी, बट जो फ्रंट के 4 speakers अगर आप लगाएंगे इसमें तो उसमें कुछ में सिर्फ हाइज बजेंगे, कुछ में सिर्फ बेस। तो ध्यान रखिएगा कि आप जो भी स्पीकर्स कनेक्ट कर रहे हैं वो इसे मैच करें, इसके इम्पिडेंस के अकॉर्डिंग हो, और अगर वो स्पीकर्स में 4 यानी 2 leads out है लेफ्ट एंड राइट तो ही आप इस पर कनेक्ट कीजिए, तो आपको प्रॉपर हाइज एंड बेस की कॉम्बिनेशन मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग DJZQ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल और वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि जिन किसी के पास भी ये पुराने सिस्टम्स हो वो उन्हें मेंटेन करें, यूज़ कर सकें, उन्हें उनके बारे में अगर कोई डाउट्स हो तो वो डेफिनेटली हमसे हमारे चैनल के थ्रू हमें मैसेज कर सकते हैं। और सारे सिस्टम्स के यूज़र मैनुअल जो हैं हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देते हैं, तो आपको ऑफिशियल यूज़र मैनुअल्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यकीन मानिए यूज़र मैनुअल्स में काफ़ी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होता है सिस्टम्स का, तो उसे साथ रखना बहुत ज़रूरी है।
थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग DJCQ.